अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में विक्रम पोस्ट पर मंगलवार की रात पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएफएफ के दो जवान घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए दोनों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की रात 8 बजे विक्रम पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से ब्रेस्ट फायर किया गया। सूचना के मुताबिक 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। इसकी चपेट में दो जवान आ गए, एक के पेट तथा दूसरे के हाथ में गोली लगी है। तत्काल दोनों घायलों को निकालकर बीएफएफ के जवानों ने जीएमसी पहुंचाया। विक्रम पोस्ट पर बीएफएफ के 120 बटालियन की तैनाती है। इस बीच बीएफएफ तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। किसी को भी बॉर्डर की ओर से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि सीमा पार में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजरों ने आतंकवादियों को कवर फायर कर दिया, जिसमें दो जवान घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार घायल होने वाले पश्चिम बंगाल के आलोक साहा व सुरजीत विश्वास शामिल हैं। हालांकि संबंध में बीएफएफ की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अरनिया सेक्टर में सीमा पर एक खंभे पर बीएफएफ के जवान कुछ काम कर रहे थे। एक जवान खंभे पर ऊपर चढ़ा हुआ था, जबकि दूसरा जवान नीचे खड़ा था। तभी अचानक ही पाकिस्तान की ओर से फायरिंग कर दी गई। इस दौरान खंभे पर चढ़े जवान को गोली लग गई। जवाब में नीचे खड़े जवान ने भी फायरिंग की, लेकिन वह पाकिस्तान फायरिंग से बच ना सका और गोली उसके बाजू में लगी। घायल बीएसएफ जवानों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल काफी लंबे समय से सीमा पर शांति बनी हुई थी, लेकिन अब अचानक से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीएसएफ ने अभी तक घटना पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बता दें 2021 में 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने घोषणा की कि वे जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर युद्ध विराम पर सभी समझौतों को सख्ती से पालन करेंगे। तब इस्लामाबाद और नई दिल्ली में जारी एक संयुक्त बयान में इसका ऐलान किया गया था, लेकिन युद्ध विराम समझौते के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और सीज फायर का उल्लंघन किया गया। बता दें भारत और पाकिस्तान ने शुरुआत में 2003 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन करता आया है। 2020 में 5000 से ज्यादा बार गोलीबारी की घटना हुई, तो एक साल में सबसे ज्यादा थी। 2021 में युद्ध विराम में घोषणा से पहले पाकिस्तान ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी की थी, जिसे भारत में बॉर्डर के पास के स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।